मिस्टर वायरल किंग, नकली करेंसी का काला धंधा चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे फसाया जा रहा है। आपको कौन फसाएगा मिस्टर वायरल? देखिए इनको, लुक एट दीज बॉयज एंड गर्ल्स। ये आप ही के स्टाफ के पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हुए लोग हैं। ये आपको कैसे फंसा सकते हैं? ये तो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर हिंदी में बात करने वाला कोई होता तो वो ये काम जरूर कर सकता था, लेकिन वो तो एक ही था ना, भरत। आपने उसे अरेस्ट करवा दिया। इनफैक्ट भरत अब भी हमारी हिरासत में है और इस वक्त हमारे साथ है। ये काम आपने किया है, इसलिए गिरफ्तार भी आप ही को किया जाएगा और केस भी आप ही पर चलेगा। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम जी, हमें लगता है कि मैनेजर साहब सच कह रहे हैं। इनको बिल्कुल भी उन नोटों के बारे में कदापि नहीं पता। ये निर्दोष है। अच्छा, और ये बात तुम किस बुनियाद पर कह सकते हो? मैडम जी, सीधी सी बात है, हर बैंक में डेली कैश के चार्ट बनते हैं जिसमें डेली कैश कलेक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें अलग अलग फिगर के नोट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि 100 के, 200 के, 500 के और 2000 रुपए के नोट। लेकिन यहाँ पर मैनेजर साहब के लॉकर से जो नोट मिले हैं वो सिर्फ 2000 रुपए के नोट हैं। तो सवाल ये है कि कैशियर द्वारा मैनेजर साहब को वो सारा कैश कलेक्शन सौंपने के बाद और मैनेजर साहब को वो सारा कैश कलेक्शन अपने लॉकर में रखने के बाद ये सारे अलग अलग फिगर के नोट सिर्फ 2000 रुपए के फिगर में कैसे हो गए? और इसका सीधा सा जवाब ये है कि किसी ने इनके लॉकर से असली नोट निकाल कर नकली नोट इनके लॉकर में रख दिया। मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। थैंक यू सर। कहाँ चला गया तू यार, तू तो एक फरिश्ता है। कमाल की बात है ना कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ इतनी सी बात समझ नहीं पाया, लेकिन इस हिंदी भाषी की वो बात समझ में आ गई और अब वो आपके लिए फरिश्ता बन गया है। किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए काबिल दिमाग और सुलझे इंसान की जरूरत होती है। पता नहीं इस पर चोरी का इल्जाम कैसे आते आते उस पर भी आते। उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि आपको किसने फंसाया, किसने उस तिजोरी में नकली नोट ला कर रखे। जल्दी से बता दो किसने किया है ये कांड, वरना ऐसा बवंडर मचा देंगे ना। हाँ, बवंडर कह रहे हैं हम कि सब कुछ हिला डालेंगे। हमने चुराए पैसे। अच्छा, हे शिव जी, ये तो आधे पैसे, आधे कहाँ है? ये इनके पास है। क्या कह रही हो? अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाया जा रहा है। सब बिलीव मी, आई एम इनोसेंट। सीरियसली, डोंट हैव एनी मनी विद मी। यहाँ है, हटो 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 हटो, बाकी पैसे यहाँ है। इनके घर से, इनकी तिजोरी से ये पैसे मैंने चुराए और प्रूफ के लिए हमने रिकॉर्ड भी किया है मोबाइल से, क्योंकि ये बाद में कहेंगे I have no money, he is a चोर। बकवास कर रहा है ये, और ये मुझे चोर बोल रहा है, ये तो खुद चोर है। था, था। और ये क्या, ये सब के सब चोर है। हम चोर नहीं है, हम चोर को पकड़ने आए थे जो हमने पकड़ लिया है। हम ऐसा है करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, क्या समझे? हाँ, मैं बाबू कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। हमने बनाया था ये चोरी का प्लान। ये किसे लिखे है? शकल देख के क्या लग रहा है, कौन है ये चोर? बस वही है ये। पर इस चोर को यहाँ क्यों लेके आए हो? मैनेजर का लॉकर खोलना है, एक तो प्रोफेशनल आदमी तो चाहिए था ना, इसीलिए लेकर आया है इसको, समझो, गाइड करेगा ये हम लोग को। लॉकर कहाँ है? अंदर अंदर, आइए आइए। इसको पता चल गया तो? चल गया तो क्या ही हो जाएगा, हाँ? कुछ भी तो नहीं हो पाएगा। क्या है कि बैंक तो अपना है नहीं, ये लॉकर जो है ये भी अपना नहीं है। बैंक का लॉकर है, मैनेजर फंसेगा है, पुलिस उसको पकड़ेगी, हम लोग तो एकदम सेफ। हम लोग पैसा को ना आधा आधा मार लेते हैं। ये आपका प्लान था? जी, हमारा प्लान था। मतलब यहाँ कोई चोरी हुई नहीं थी कभी? चोरी यहाँ हुई थी,
हर रोज हुई थी, लगातार हुई थी और पिछले कई दिनों से हो रही है। और ये सारी चोरियां की थी आपके कैशियर राहुल ने। इसका काम ही यही था, बैंक में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनके नोटों में नकली नोट मिले हैं ऐसा झूठ बोलकर उन्हें ठग लेना। और इस बात का पक्का सबूत है हमारे पास। इनफैक्ट भरत को भी झूठे इल्जाम में इसी ने फंसाया था। क्यों? बताओ। इसके रहते चोरी करना नामुमकिन था। जरूरत से ज्यादा ईमानदार है ये। फिर इसे पता चल जाता तो सीधे जेल जाता। वाह क्या बात है, इतना ईमानदार एम्प्लॉय को आपने निकाल दिया नौकरी से सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि भाषा किसी का किरदार नहीं बताती, वो तो बस एक दूसरे से बात करने का जरिया है। भाषा की बिना पर नहीं, काबिलियत की बिना पर लोगों को परखना चाहिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं भरत को उनकी नौकरी इज्जत के साथ वापस लौटाता हूँ। भरत मुझे माफ कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं श्रीमान। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। संतु 409 नंबर का फाइल दो, इसमें से 2-3 चालान घुले हैं। संतु प्यार है? प्यार नहीं। प्यार है? प्यार नहीं। प्यार है? प्यार नहीं। 409 नंबर का फाइल दो, प्यार है? प्यार नहीं। प्यार है? प्यार नहीं है। संतोष शर्मा, हाँ, अगर ऐसे हमारा बात इग्नोर करती रहोगी ना तो जॉब है जॉब नहीं है, जॉब है जॉब नहीं है, यही करती रह जाओगी। समझ रही हो हमारी बात? क्या फूल के पत्तों को तोड़ के किसका लव लाइफ का अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे, हमको भी पता चले? आपके और हमारे, हाँ, क्योंकि आपको हमारे साथ कितना लगाव है ये तो सब जानते ही हैं, इसलिए गुलाब की पंखुड़ियों से पूछ रहे थे हम। नाम है आपका पुष्पा और बातें ऐसी कांटों की तरह चुभती है ना आपकी कि क्या बताएं आपको। नहीं क्या चल क्या रहा है, ये थाना है या फिर गार्डन है ये? ओहो, हम शिव जी से पूछ रहे थे कि डीएसपी सर और हसीना मैडम के बीच में कुछ होगा कि नहीं। नहीं हो सकता उनके बीच में कुछ। देखो उनके बीच में ना सावधान विश्राम जय हिंद यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो गया तो वो सिर्फ सल्यूट, समझ गए? अच्छा, मुझे तो लगा वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है ना पुष्पा जी। अरे हाँ हाँ, एकदम राम मिलाई जोड़ी है, जैसे हम और हमारे लल्ला के पप्पा थे। सुनिए दोनों की दोनों हमारा बात, 100% गलत है ये बात, समझ गए? एक बार को लखनऊ पुलिस और कानपुर पुलिस वो एक हो जाए, लेकिन मैडम सर और अनुभैया कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए ना वो क्वालिटीज जो है वो अनुभैया में दूर दूर तक नहीं है, समझ गए? अगर आप इतना सब कुछ जानती हैं तो ये भी बता दीजिए ना कि मैडम सर को लड़के में क्या क्या विशेषताएं चाहिए जो आपके भैया में नहीं है। अम्मी आप तो जानते ही हैं। अच्छा ठीक है, लड़का कैसा भी हो उसमें जज्बात जरूर होना चाहिए, वो औरत की ताकत को समझे या ना समझे, औरत को बस कमजोर ना समझे। और हाँ, बच्चों से प्यार होना चाहिए और खास तौर पर अपने देश से प्यार होना चाहिए। ठीक है, अब समझ गए, अब आपको याद रहेगा। अल्लाह करे कि तेरी यही सारी ख्वाहिशें तुझे एक ही लड़के में मिल जाए। जैसे गई रात मेरे सपने में ताजमहल आया था, और तुझे तो पता ही है कि जब जब मैंने सपने में ताजमहल देखा है तब तब कोई अच्छी खबर मिली है। हो सकता है इस बार तुझे तेरा शाहजहां मिल ही जाए। हाँ, आपको ताजमहल दिखा मतलब हमें तो शाहजहां मिल ही गया समझो। आप बात करेंगे? अम्मी हमारे इन ड्राइवर साहब को हमारी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल जाए इससे पहले प्लीज हम फोन रख दें। जी खुदा हाफिज। और जहाँ तक हम अपने अनु भैया को जानते हैं ना उनमें ऐसा खूबी दूर दूर तक नहीं है, समझ गए? कैसी बहन है आप? बहन वो होती है जो अपने भैया के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, और देखो ये बहन है जिसको अपने भैया में कोई खूबी नजर नहीं आती। वेरी बैड करिश्मा मैडम। क्या बात का फालतू में बवाल बना रही हैं आप? क्या कहा है हमने?
हमने यही कहा ना कि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए वैसी खूबियां अनु भैया में नहीं है, का गलत कहा हमने? कई बार प्यार होने के बाद खूबियां नजर आती है करिश्मा मैडम, बस एक बार डीएसपी सर और हसीना मैडम में प्यार हो जाए फिर देखना, हसीना मैडम को सारी खूबियां नजर आएंगी डीएसपी सर नहीं आएगी, 6-7 जन्म निकल जाएंगे तब भी नहीं आएंगी ये खूबियां उनमें, समझ गए आप? और ये गुलाब के टोटकों से अगर शादियां होती ना तो ये सरकारी दामाद की जगह ना बिल्ला किसी का प्राइवेट दामाद होता, समझे? हेलो, मुझे किसी ने याद किया? नहीं, तुम जो कर रहे थे वो करो, सो जाके जाओ। नींद नहीं आ रही है मैडम। मैडम आप अपनी कोयल की आवाज में लोरी सुना दो ना। बेटा तुमको लखनऊ का ऐसा लोरी सुनाएंगे ना कि तुम्हारे कान से ऐसा धुआं निकलेगा कि क्या बताएं। ओहो, पहली लाइन में ही मेरी आंखें भारी हो गई। थैंक यू मैडम, गुड नाइट। नहीं, आप लोगों को और कुछ काम नहीं है इस मुद्दे के अलावा इस थाने में? हाँ हाँ है भाई है, हमारे पास बहुत काम है। आज हमें हेडक्वार्टर जाना है कुछ पुराने केसेस की फाइल रिपोर्ट्स लेकर, जो विस्तार से सिर्फ हमें ही पता है। तो हम निकले। जय हिंद मैडम। जय हिंद। एक्सक्यूज मी। यस, क्या आप ही हसीना मलिक हैं? जी कहिए। मैडम मुझे मेरा हक चाहिए, मुझसे मेरा हक छीना गया है। अंदर चलिए, अंदर बैठकर बात करते हैं। आइए। बताइए आपका नाम? दीप्ति। बताइए आपकी तकलीफ? तकलीफें तो दीदी बहुत है, पर अभी लेटेस्ट बताती हूँ। मुझे मेरा हक चाहिए, साडा हक एथेरा। अगर आपको गाने का शौक है तो आप किसी रियलिटी शो में जाइए, और अगर जा ही रही है वहां पे तो थोड़ा सुर से गाइएगा तो ही सिलेक्शन होगा। वो क्या है ना, हम ठहरे पहलवान, तो अब अखाड़ा हो या गाना, हम तो कुश्ती ही करते हैं। लेकिन अब तो कुश्ती करने के लिए हमारा अखाड़ा ही हमारे पास नहीं रहा। तो मतलब आपको अखाड़ा चाहिए? हाँ जी। सॉरी पर अखाड़ा तो हमारे पास भी नहीं है। आप पहलवान है? नहीं। तो फिर आप अखाड़े का क्या करेंगी? एक्चुअली क्या है, हमारे बाऊजी वो पहलवान थे, उनका खुद का अखाड़ा था, बड़े बड़े नामचीन पहलवान वहाँ पे ट्रेनिंग करने आते थे। हमारी शादी हो गई तो हम ससुराल चले गए, कुछ टाइम के बाद बाऊजी का देहांत हो गया और अखाड़ा वो भैया संभालने लगे। वो अखाड़ा हमारे बाऊजी ने बनाया है, उस पे हमारा भी हक है, हमारा भी हिस्सा है। हमने जब ये बात भैया से कही तो उन्होंने हमें धुतकार दिया और कहने लगे जाओ अपना ससुराल संभालो। एक बात बताइए, प्रॉपर्टी मांगने के लिए कहीं आपके ससुराल वाले आपको फोर्स तो नहीं कर रहे? जी मतलब? मतलब लालच की वजह से आपके ससुराल वाले आपसे मजबूरन तो ये सब नहीं करवा रहे? ये लुच्ची का बैग 15,000 का है। लुच्ची? लुच्ची मतलब तुम्हारी सास का ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, लुच्ची परोडा इंटरनेशनल ब्रांड है। आपको पता नहीं होगा बट इनकी चीजें ना बहुत महंगी आती हैं। ये सब हमें हमारे ऑनलॉज ने दिलवाया है। ऑनलॉज आपका मतलब इनलॉज? सेम डिफरेंस, हमारे यहाँ चलता है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, बल्कि ये लालच तो हमारे भैया आकाश में भरा हुआ है और हमारी मम्मी उन्हें फुल ऑन फीवर करती हैं। फीवर? फेवर? सेम डिफरेंस। देखिए हम बस इतना चाहते हैं कि आप सब उन्हें ये बता दें वो जो भी हमारे साथ कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए दीप्ति जी हम ना आपको समझाते हैं। क्या है कि डॉटर्स राइट लॉ जो है ना वो ये कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत, मतलब जैसा पहले था कि लड़की लोगों को उनके बाप के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, तो 2005 में एक अमेंडमेंट पास हुआ और उसके तहत ये आया कि लड़की लोगों का भी उनके बाप के संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना कि लड़का लोग का है। मुबारक हो, आपको मिल सकती है संपत्ति, आपको पूरा आधा आधा हिस्से मिलेगा भाई, पूरा मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। थैंक यू, वेलकम वेरी मच। अब हम आकाश भैया को बता के रहेंगे कि हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये तो पहलवान है। सारी सारी, हमें जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो हमारा मन फिजिकल तोड़फोड़ करने को करता है। वो क्या है ना,
हम पहले पहलवान थे, शादी के बाद छोड़ दिया, अब वक्त आ गया है हम दोबारा पहलवान बने। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है, हम आपके भाई और आपकी माँ से बात करके इस समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने घर पर अमन और शांति बनाए रखिए। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंकिंग यू वेरी मच, यू आर वेलकम। बाप रे बाप। संतोष शर्मा, अभी अभी आपने जो नोट्स लिखे वो दीजिए जरा। प्यार है प्यार नहीं है, प्यार है प्यार नहीं है, क्या है ये? हाँ बताओ, जो सुबह प्यार का मूसलाधार बारिश हो रहा था वो क्या था बताओ। संतू जी, दरअसल ये वो पुष्पा जी का टेबल है ना ये, और ये उनकी डायरी है, तो पुष्पा जी उनके लिए ये उनके पिताजी इनके पिताजी नहीं, जो लल्ला है, लल्ला के पिताजी ऊपर चले गए ना, तो उनके लिए लिख रही थी कि वो अभी भी प्यार करते कि नहीं करते। जो एक्चुअल नोट्स लिखे हैं वो अब देंगी? अब हाँ। ठीक है, हमें आज शाम को जरा पर्सनल काम से थोड़ा जल्दी जाना है, मेक श्योर कि इनकी माँ और इनके भाई 4 बजे के पहले थाने आ जाए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम सर जाएंगी डीएसपी सर से मिलने के लिए। अच्छा तो पूछ लेते हैं अभी उनसे। नहीं, 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 पूछ लेते हैं। संतू जी कहाँ चली गई? संतू जी, तुम काम पे ध्यान दो ना। देख रही हो अम्मा, ये है महिला पुलिस थाना, यहीं पे केस दर्ज करवाया है तुम्हारी बिटिया ने। अब पहलवान पहलवानी छोड़ के काम करेगा कि मतलब कोर्ट के जरिए चक्कर लगाएगा, बताओ। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा अम्मा, लेकिन अब आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, क्या है? थोड़ी मदद चाहिए थी, हो पाएगी क्या? क्या मदद चाहिए भाई साहब? महिला पुलिस थाने में कुछ सेटिंग मेटिंग है आपकी कि नहीं? महिला पुलिस थाना तो हमारे ही बलबूते पर चलता है, क्यों? आइए बैठिए ना। ओम ए बदाम, 3 चाय। नहीं नहीं, चाय चाय नहीं, चाय नहीं, चले। बोलिए। हमारे खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ है। अच्छा, उसी की सेटिंग चाहिए थी। तो बताइए क्या केस है? केस प्रॉपर्टी का है, हमारी सगी बहन ने लगाया हमारे ऊपर। आपके बहन का नाम दीप्ति है? दीप्ति आप जानते हो? माजी, मैंने पहले ही कहा ना, ये महिला पुलिस थाना मेरे ही बलबूते पे चलता है। पैसे पैसे थोड़े कम है हमारे पास, लेकिन हम 10 दे देंगे आपको। 10 रुपए? भाई साहब, हम रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, फिर 10,000 की बात कर रहे हैं। तो कुछ एडवांस? हाँ हाँ, ये लीजिए। हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो बताइए आकाश, ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी बहन को उसका हक नहीं देना चाहते? अरे मैडम, हम किसी का हक नहीं मार रहे, तो बस अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहते, इस अखाड़े को फिर से स्टार्ट करना चाहते। हमें बस थोड़े से वक्त और कुछ पैसे की जरूरत है। जिस दिन वो आ जाएंगे, हम अपने बाबूजी का सपना पूरा कर देंगे। लेकिन हमारी बहन दीप्ति हमें अपने बाबूजी का सपना पूरा करने नहीं दे रही, हर बार हमसे अखाड़ा मांगती रहती। मैडम सर, ये सारा कसूर हमारा है, हमने ही हमारी बेटी को इतना सर चढ़ा दिया कि आज वो हमें और हमारे बेटे को सड़क पर लाने को तुली है। हमें तो लगता है कि ये हमारी बेटी नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। अरे कितने प्यार से उसके पिताजी ने बड़े घर में उसकी शादी करवाई, ये सोचकर कि वो खुश रहेगी, पर वो तो अपने नजरे गाड़ी हुई है हमारे अखाड़े पर। कौन चढ़ा रहा है सब जानते हैं हम। कितना समझाया उसे कि ये अखाड़ा अखाड़ा नहीं, हमारे स्वर्गवासी पति की इज्जत है, पर वो नहीं मानी, यहाँ आ गई हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखाने। छी छी छी, इतना लालची,
चुड़ैल भी सात घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये तो अपना खून, और देखो कैसे कलयुग है भाई, किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। बिल्लो देखिए, हमें लगता है कि ये फैसला खुद दीप्ति का है, कोई उसे प्रेशराइज नहीं कर रहा है। मैडम सर, हमको लग रहा है कि ना ससुराल वाले उस पर प्रेशर बना रहे हैं, जिसके चलते वो कुछ कह नहीं पा रही है। अगर आप हमको इजाजत दे तो हम लाते हैं उसको थाने, लपेटते हैं उसके ससुराल वाले को, दो चार घंटा आप मारेंगे ना, पूरा बॉडी में भौकाल मच जाएगा उनका, फिर कभी दहेज का बात नहीं करेंगे। एक मिनट, हर बार ससुराल वालों की गलती होती है, ऐसा नहीं है। आजकल बहुओं के पैर भी तो हवा में उड़ते रहते हैं ना। जब सास जमीन पर अंगारे बिछा के बैठी हो ना, तो पैर हवा में ही रखना पड़ता है पुष्पा जी। आजकल सास को सास कहाँ समझती है बहुएं? हाँ तो हेड कांस्टेबल कौन सा एसआई को एसआई समझ रही है? बस कीजिए आप दोनों, कभी तो जिंदगी में जगह और मौका देख लीजिए। देखिए आप लोग जा सकते हैं, हम करते हैं कुछ, आप प्लीज जाइए। जाइए, हम देख लेंगे। मतलब मैडम सर है वो देख लेंगे, वो किसी भी अन्याय होने नहीं देंगे, आप जाइए इत्मीनान से जाइए। करिश्मा सिंह, क्या लगता है आपको इस केस के बारे में? ये तो मैडम सर दीप्ति के ससुराल जाकर थोड़ा छानबीन करना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ कह सकते हैं। हमें निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। जय। हमको तो लगता है ना शायद हाँ मैडम सर डीएसपी सर से मिलने गई है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।